लोटस आयुर्वेद इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे डायबिटीज में व्यक्ति को पैक्रियाटिक सिस्ट का जोखिम क्यों होता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। शुरू करने से पहले से मैं अपने सभी अपने व्यूअर्स को बोलना चाहूँगा, आप सभी को होली की शुभकामनाएँ। आपका ये साल, आने वाला साल तक आपका खुशियों से भरा रहे, आप खुश रहें, मस्त रहें और देखते रहें लोटस आयुर्वेदा इंडिया। हम यहाँ पे सभी वही वीडियो बनाते हैं जिससे आप आसानी से घर पे बैठे बैठे आप अपना इलाज कर सकते हैं और कुछ ऐसी सहायता आपको करते हैं जो बाहर भी जाना पड़े तो आप सही तरह से आपको नॉलेज हो जिसका फ़ायदा उठा सके। तो आइए शुरू करते हैं। पैक्रियाज पेट के पीछे स्थित एक अंग होता है। ये ब्लड में शुगर के लेवल को कंट्रोल करने और पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डायबिटीज वाले व्यक्तियों में पैक्रियाज पर अधिक दबाव पड़ता है, इसके कार्य में बाधा उत्पन्न होती है। वहीं कई बार पैक्रियाज में कई तरह की समस्याएं भी देखने को मिलती हैं। इन समस्याओं में पैक्रियाज सिस्ट को भी शामिल किया जा सकता है। आपको पैक्रियाज और डायबिटीज के संबंध को समझना होगा, साथ ही डायबिटीज में लोगों के जोखिम को समझना बेहद जरूरी है। तो पैक्रियाज के कार्य क्या होते हैं पहले मैं आपको बताता हूँ। एक्सोक्राइन फंक्शन। एक्सोक्राइन में पैक्रियाज एक तरह का एंजाइम होता है। मैं वापस रिपीट बोलता हूँ। एक्सोक्राइन में पैक्रियाज इस तरह के एंजाइम का उत्पादन करता है जो छोटी आंत में भोजन के पाचन में सहायता करने में सहायता करता है। ये एंजाइम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को तोड़ने में मदद करता है। एंडोक्राइन फंक्शन। एंडोक्राइन फंक्शन में पैक्रियाज आइलेट्स नामक कोशिकाओं के समूह होते हैं जो इंसुलिन और ग्लूकागन जैसे हार्मोन का उत्पादन करते हैं। ये हार्मोन ब्लड शुगर के स्तर को कंट्रोल करते हैं और शरीर के द्वारा एनर्जी के लिए ग्लूकोज का उचित उपयोग किए जाने वाली प्रक्रिया का नियंत्रित करते हैं। डायबिटीज और पैक्रियाज सिस्ट के बीच संबंध। पैक्रियाज सिस्ट लिक्विड तरल पदार्थ से भरी थैली होती है जो पैक्रिया के भीतर बनती है। अधिकतर पैक्रियाज सिस्ट सॉफ्ट होते हैं जबकि कुछ सिस्ट को बढ़ा सकते हैं। डायबिटीज में व्यक्ति को कई तरह के रोग होने की संभावना अधिक होती है। ठीक इसी तरह डायबिटीज में व्यक्ति को पैक्रियाज सिस्ट का खतरा अधिक होता है। डायबिटीज वाले लोगों में पैक्रियाज सिस्ट होने के पीछे कई कारक जिम्मेदार हो सकते हैं। तो जानते हैं इन कारकों के बारे में। पैक्रियाज सूजन में लंबे समय से सूजन। डायबिटीज में विशेष रूप से टाइप 2 डायबिटीज में व्यक्ति के पैक्रियाज में बेहद कम सूजन बनी रह सकती है। ये पैक्रियाज के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। पैक्रियाज में लंबे समय तक सूजन समय के साथ सिस्ट होने की संभावना को बढ़ा सकती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस टाइप 2 डायबिटीज का एक पहचान है। ये अप्रत्यक्ष रूप से पैक्रियाज में सिस्ट होने के खतरे को बढ़ा सकती है। ये पैक्रियाज के सेलुलर सिग्नलिंग मार्गों में परिवर्तन से संबंधित है जो सिस्ट बढ़ाने को बढ़ावा दे सकता है। मोटापा। मोटापा टाइप 2 डायबिटीज के लिए एक सामान्य जोखिम कारक है जो पैक्रियाज सिस्ट के बढ़ते जोखिम से भी जुड़ा है। एक्स्ट्रा फैट इशू में सूजन, हार्मोनल असंतुलन और मेटाबॉलिज्म संबंधी गड़बड़ी कर सकता है। अंतर्निहित अनुवांशिक कारक। कुछ व्यक्तियों में अनुवांशिक प्रवृत्ति के चलते डायबिटीज और पैक्रियाज सिस्ट दोनों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ सकती है। जीन्स में म्यूटेशन की वजह से पैक्रियाज के कार्य में बदलाव हो सकता है। डायबिटीज में पैक्रियाज सिस्ट के बचाव के तरीके। नियमित डायबिटीज से पीड़ित व्यक्ति जांच कराएं। व्यक्तियों को पैक्रियाज की नियमित जांच करानी चाहिए। जीवन शैली में बदलाव। एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं जिसमें नियमित व्यायाम, संतुलित आहार, भजन वजन को कंट्रोल रखना और
धूम्रपान से दूरी बनाए रखना। पैंक्रियासिस से बचने के लिए डायबिटीज को कंट्रोल में रखें। इसके लिए आप डाइट और लाइफस्टाइल में बदलाव करें, इससे आपके शरीर का मोटापा कंट्रोल होगा। वहीं डाइट में चीनी की सेवन ना करें, इससे ब्लड शुगर धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।